फ्लो हमारे दिमाग की एक ऐसी मेंटल स्टेट जहाँ पर एक इंसान का कंसंट्रेशन इतना इंटेंस होता है, यानी कि वो इंसान अपने वर्क में इतना इन्वॉल्व होता है कि उस इंसान का सेंस ऑफ सेल्फ ही खत्म हो जाता है। यानी कि जब तक वो इंसान फ्लो की स्टेट में रहता है तब तक उस इंसान को अपनी खुद की एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं होता, मतलब कि प्योर कॉन्शियसनेस। इस स्टेट में ना तो आपको मच्छर लगेंगे, ना भूख, ना प्यास, ना गर्मी, ना सर्दी। इस स्टेट में आप अपने कॉन्सेंट्रेशन की चरम सीमा पर होंगे और यहाँ पहुँचने के बाद आप जिस वर्क को भी कर रहे होंगे वो वर्क अपने आप से होने लगेगा, यानी कि एफर्टलेसली। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट मिहाय चिकसेनमिहाय ने फ्लो को ऑप्टिमल एक्सपीरियंस यानी कि सबसे उच्चतम अनुभव भी कहा है। इसीलिए इस वीडियो में हम फ्लो के बेनिफिट्स, फ्लो की न्यूरो केमिस्ट्री, फ्लो की न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी से लेके फ्लो स्टेट को कैसे अचीव किया जाए ये सब जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले फ्लो के बेनिफिट्स से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों का मोटिवेशन भी बना रहे। फ्लो आपकी प्रोडक्टिविटी को लगभग 500% तक इंक्रीज कर देता है। वेट व्हाट, 500%? जी हाँ, सही सुना आपने, 500%। ये देखिए, फ्लो बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी बाय 500% इन 90 मिनट्स। मतलब कि जिस वर्क को करने में आप 5 दिन का समय लेते हैं, फ्लो स्टेट में आप उस काम को बस एक दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, किसी भी स्किल में मास्टर होने के लिए हमें उस स्किल को लगभग 10,000 आवर देने होते हैं, लेकिन फ्लो से इन आवर्स को हाफ यानी कि 5,000 घंटे किया जा सकता है। सॉफ्ट स्वयं आए, इस हिसाब से तो हम सुपरमैन बन जाएंगे यार। और ना केवल प्रोडक्टिविटी के मामले में बल्कि क्रिएटिविटी। अकॉर्डिंग टू स्टडी, फ्लो हमारी क्रिएटिविटी को लगभग 700% तक इंक्रीज कर देता है। वाओ, दिस इज रियली ऑसम। अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ फ्लो साइकोलॉजी मिहाय चिकसेनमिहाय, हर एक फ्लो की स्टेट के बाद ब्रेन की कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। सो फ्लो इज द की ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड बिलीव मी, मैंने बहुत से महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हैं और उन सारे लोगों में जो कॉमन चीज है वो है उनका पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वो लोग अपनी विल पर फ्लो की स्टेट में जा सकते हैं और इसी वजह से वो लोग इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। सो नाउ अब हम जानेंगे कि फ्लो के दौरान हमारे ब्रेन में क्या केमिकल और इलेक्ट्रिक चेंजेस होते हैं। फ्लो के दौरान सबसे पहले ब्रेन नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ने लगता है और फोकस गहरा होने लगता है। ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा में शिफ्ट हो जाती हैं, जिससे ब्रेन की क्रिएटिविटी इंक्रीज होने लगती है और ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है, जिससे हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। इस स्टेट में आने के बाद ब्रेन एंडोजेनस एंड अनंदामाइड केमिकल्स रिलीज करता है। एंडोजेनस से बॉडी में जो भी पेन या तनाव होता है वो सब खत्म हो जाता है और अनंदामाइड, ये नाम लिया गया है संस्कृत के आनंदा से यानी कि ब्लिस। इस केमिकल के रिलीज होते ही बॉडी हर तरीके के डिस्ट्रेस, तनाव और पेन से फ्री हो जाती है और ब्रेन की लेटरल थिंकिंग बढ़ जाती है। लेटरल थिंकिंग के बढ़ते ही हम आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगते हैं, हमारे ब्रेन में न्यू आइडियाज आने लगते हैं और जब फ्लो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है तब ब्रेन वेव अल्फा से थीटा में शिफ्ट हो जाती है, जिससे बढ़ती है ब्रेन की इंट्यूशन पावर। वही इंट्यूशन पावर जिससे मोस्टली जीनियस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फ्लो की सबसे लास्ट स्टेज में ब्रेन सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिनके रिलीज होते ही हमारे अंदर शांति और खुशी की एक लहर सी दौड़ जाती है। और ये एक्सपीरियंस इतना कमाल का होता है कि फ्लो दुनिया की सबसे एडिक्टिव स्टेट में से एक मानी जाती है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हाउ टू गेट इनटू फ्लो स्टेट, उससे पहले आपको ये दो बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली तो ये कि लगभग 90 मिनट्स के अनइंटरप्टेड कॉन्सेंट्रेशन के बाद ही ब्रेन फ्लो स्टेट के लिए रेडी होता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा ब्रेन एक सेकेंड में केवल 126 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है। और जब हम किसी भी एक्टिविटी में अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटी का एक एक बिट्स लगा देते हैं तब फ्लो स्टेट स्टार्ट होता है। सो नाउ जानते हैं कि हाउ टू गेट इनटू ए फ्लो स्टेट। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट मिहाय चिकसेनमिहाय, किसी भी वर्क में फ्लो अचीव करने के लिए हमें इन दो फंडामेंटल बातों पर ध्यान देना चाहिए, स्किल एंड चैलेंज। लेट्स सपोज आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं जिसमें आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं और उस वर्क में चैलेंजेस बहुत कम है, तो क्या आप उस वर्क को एंजॉय के साथ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप बहुत जल्दी एपैथेटिक और बोर फील करने लगेंगे। ठीक उसी तरह अगर चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और आपके स्किल्स बहुत कम, तब ऐसे काम को करने से केवल फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन होती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, फ्लो अचीव करने के लिए स्किल और चैलेंजेस के बीच का रेशियो 1:4 होना चाहिए। चैलेंजेस हमेशा हमारी स्किल से बड़े ही होने चाहिए, तभी आप फ्लो स्टेट को सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। और चैलेंजेस आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो इंग्लिश के लेक्चर को आप हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना शुरू कर सकते हैं, ऐसे ही वाइस वर्सा। आप किसी भी सिचुएशन में चैलेंजेस को बढ़ा सकते हैं। सो टू कंक्लूड, आपको अपने हर वर्क में अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटी
फ्रीक्वेंसी का पूरा 126 बिट्स यूज करना ही है। अगर एक बिट भी अनयूज रह गई तो ब्रेन उस बिट का यूज किसी और थॉट को सोचने में कर देगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा। सेकंड पॉइंट है कंट्रोल द कंटेंट ऑफ कॉन्सियसनेस। एक बहुत ही फेमस कोट है, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इफ यू डोंट कंट्रोल व्हाट यू थिंक, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू डू। और मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ऑर्डिनरी इंसान के ब्रेन में आने वाली 90% थॉट्स बेकार यूजलेस होती हैं। अब इतनी सारी बेकार थॉट्स के साथ कोई भी इंसान अपनी विल पर फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर सकता। देखो, फ्लो फॉलोज कॉन्सेंट्रेशन। जब आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा तब फ्लो आपकी लाइफ में धीरे धीरे आने लगेगा। और कॉन्सेंट्रेशन आपका तभी इम्प्रूव होगा जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट में रहना सीखोगे। प्रेजेंट में रहने के लिए आपको शुरुआत में बहुत मेहनत करनी होगी। इसके लिए जैसे ही कोई भी थॉट आपके माइंड में आती है तुरंत अपने माइंड को फोर्सफुली प्रेजेंट में लेके आओ और ऐसा आपको बार बार करना होगा। हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद आपके सर में दर्द होने लगे, आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, बट यू हैव टू कीप मूविंग। फिर एक दिन आएगा जब आपके माइंड में वॉइड बनने लगेगा, यानी कि तब आप थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाएंगे और आपका अटेंशन पूरी तरह प्रेजेंट में रहने लगेगा, तब आप अपने विल पर फ्लो स्टेट को अचीव कर पाएंगे।